आठ वीडियो के सीरीज का आज ये चौथा वीडियो है जिसका टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके पहले हमारे तीन वीडियो बन चुके हैं, पहला मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरा डेबिट टू इक्विटी रेशियो, तीसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आज चौथा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, स्वागत है आपका रुद्रा टेक यूट्यूब चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बातों से अवगत कराना। जिस तरह आपको पता है हमारा आठ वीडियो का सीरीज चल रहा है, जिसमें चौथा वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमें भविष्य के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर्स परचेस करने हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जिसमें एक चीज़ आती है कैश फ्लो, कैश फ्लो पर शेयर। तो अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी के पास कैश फ्लो है कि नहीं, पर शेयर कैश फ्लो कितना है कंपनी को। जब तक अगर आपको वो पॉजिटिव ना मिले तो आप उसमें पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जिस प्रकार मैं आपको एक वेबसाइट में दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको किसी भी कंपनी का शेयर का कैश फ्लो आसानी से दिख जाएगा, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से किसी भी शेयर्स का कैश फ्लो चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बजाज ऑटो का चेक कर रहा हूँ, देखिए इसका कैश फ्लो है 107 रुपये 61 पैसे पर शेयर, मतलब प्रति शेयर 107 रुपये 61 पैसे के हिसाब से ये कंपनी कमा रही है, ठीक है। इस प्रकार आप कोई दूसरी कंपनी को देखें, SBIN को, SBIN का कैश फ्लो आपको ये दिख जाएगा 100 रुपये 69 पैसे के हिसाब से प्रति शेयर के हिसाब से, 100 रुपये 69 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी अपना पैसा कमा रही है, मतलब ये अभी प्रॉफिट में चल रही है। आप दूसरा देख लें, जैसे आप यस बैंक को देख लें, इसके अलावा आप TCS को देख लें, TCS का रिकॉर्ड जो बता रहा है उसको प्रति शेयर 91 रुपये 40 पैसे के हिसाब से प्रति शेयर कमा रही है। अब होता क्या है कि हर कंपनी का मार्केट कैप अलग होता है, तो उसके हिसाब से मार्केट शेयर्स अलग होते हैं, उसके हिसाब से हमें यह जज करना पड़ता है कि यार कौन कितना कमा रहा। अब MRF का शेयर देख लेते हैं, MRF का कितना है, MRF का पर शेयर 4902 रुपये, ठीक है। अब आप बोलोगे 4902 रुपये तो पर शेयर इसकी इनकम हो गई, कैश फ्लो हो गया। और वहीं आप SBI को देख लें, SBI के मुकाबले इसका तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही है ना, मार्केट का कैप देखना पड़ता है, मार्केट की वैल्यू देखनी पड़ती है, कितना पैसा SBI का शेयर का रेट है कितना, 422 रुपये, तब कमा पा रहा पर शेयर 100 रुपये, लगभग 40% ग्रोथ, ठीक है। और MRF को देखते हैं तो MRF का 27% ग्रोथ है। तो यही हमें देखना पड़ता है कि कौन कितना ग्रोथ दे रहा है, हमें शेयर्स की कीमत से उतना मतलब नहीं होता, मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए, पर शेयर इनकम या कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, वो देख के हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम अपना पैसा उसमें लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने आएगा FII/DII इनफ्लो और आउटफ्लो पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।